इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। रॉयल होटल में पुलिस का छापा, प्रेमी जोड़ी पकड़ाए। रेमंड पुलिस चौकी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होटल रॉयल में लोदी खेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल में चल रही अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया है। इस होटल में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए कमरे में पीके लड़ाते हुए 3 प्रेमी युगलों को पकड़ा है। पुलिस ने इन जोड़ों के परिवार वालों को बुलाकर उन्हें समझाइश दी, जबकि होटल संचालक प्रभाकर खड़से के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। स्कूल में तिलक लगाकर आने वाले बच्चों को शराब के नशे में धुत शिक्षक ने जबरदस्त तरीके से पीट दिया। बच्चों के परिजनों को जब इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए थाने में उसकी शिकायत दर्ज करा दी। घटनाक्रम की खबर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को लगते ही उन्होंने आनन फानन में शिक्षक को निलंबित कर दिया। घटना बिछुआ के शासकीय माध्यमिक शाला खोराड़ की है, जहाँ शिक्षक ओम प्रकाश ढोके ने शराब के नशे में स्कूल में तिलक लगाकर आने वाले बच्चों के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में शिक्षा विभाग के शिक्षक को निलंबित कर दिया है। हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के खिलाफ छिंदवाड़ा पुलिस ने सघन अभियान छेड़ा हुआ है। मंगलवार देर शाम SP विवेक अग्रवाल और यातायात DSP सुदेश सिंह के द्वारा शहर की तिराहों और चौराहों पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने समझाइश देते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की बात कही। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना न केवल जुर्माने से बचने के लिए बल्कि अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। हम सभी से आह्वान करते हैं कि जब भी दो पहिया वाहन चलाएं तो वाहन चालक और उसके पीछे बैठने वाली सवारी भी हेलमेट धारण करें। चार पहिया वाहन चलाते समय आगे और पीछे दोनों तरफ बैठने वाले सभी यात्री सीट बेल्ट लगाएं और अपने बहुमूल्य जीवन की सुरक्षा में अपना स्वयं का योगदान दे सकें। यह केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा, अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। संभागीय शाले फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस ग्राउंड में चल रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के अलावा जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, कटनी के स्कूल खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। संभागीय प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न होने जा रहा है और इसमें 7 जिले की टीमें यहां पर भाग ले रही हैं, जिसमें जबलपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, ऐसे 7 जिलों के बच्चे यहां पर लगभग 342 खिलाड़ी छात्र छात्राएं यहां पर भाग ले रहे हैं और यहाँ पर ये प्रतियोगिताएँ संपन्न होगी और यहाँ पर संभागीय दल का गठन होगा जो राज्य स्तर की प्रतियोगिताएँ विभिन्न जिलों में आयोजित होंगी हमारे प्रदेश के अंदर। वहाँ पर जबलपुर संभाग के रूप में ये प्रतियोगिता करेंगे। जिले के प्रतिष्ठित अक्षित होंडा डीलरशिप त्योहारी सीजन में 2-व्हीलर खरीदने पर स्क्रैच एंड विन एवं लकी ड्रॉ स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए तक के उपहार होंडा 2-व्हीलर की खरीदी पर ग्राहकों को मिल रहे हैं। लकी ड्रॉ में जहां ग्राहकों को होंडा पर कार स्कीम के जरिए एक कार, तो वहीं होंडा पर होंडा स्कीम के जरिए होंडा शाइन को मिलाकर 25 लाख तक के उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से जीतने का मौका मिल रहा है। आप भी पुष नक्षत्र में अक्षित होंडा से 2-व्हीलर वाहन खरीद सकते हैं। बुधवार को होंडा 2-व्हीलर खरीदने पर जुन्नारदेव निवासी अनिल थोबे और चौराई निवासी अनुज ठाकुर को लकी ड्रॉ के जरिए सोने का सिक्का उपहार में मिला है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संगठन के द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उनकी ड्यूटी सिर्फ स्वास्थ्य सेवा में लगाए जाने की मांग की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संगठन का कहना है कि प्रशासन के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिसके चलते उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। हमारे पूरे 11 ब्लॉक के सारे CHO अभी अपनी एकमात्र समस्या को लेकर आए हुए हैं कि हमें अपने मूल कार्य से हटके दूसरा कार्य करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। तो हम सभी का कलेक्टर महोदय से विशेष अनुरोध है कि हमें हमारा जो मूल कार्य है, जो हमारा स्वास्थ्य देने का कार्य है, बस वो भर देने दिया जाए, बाकी अदर कार्य में हमारी ड्यूटी ना लगाई जाए। हम लोग इसलिए एग्री नहीं है कि हमें SWC का कार्य दिया गया है, जहाँ पे उपस्वास्थ्य केंद्र में हमें 12 प्रकार की सेवाएं देना पड़ता है, जहाँ हमें बैठ के OPD भी देखना पड़ता है, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है। लेकिन जब हम आयुष्मान कार्ड बनाने घर घर जाएंगे
या फिर उपस्वास केंद्र से दूर जाएंगे तो वो सारी चीजें प्रभावित होंगी। साथ में जब हम लास्ट में एक महीने बाद पीवीआई भरेंगे तो फिर उसमें ओपीडी कैसे दर्शाएंगे। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आनंदम घोटाले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। कांग्रेस सेवा दल की मांग है कि हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट से जुड़ी अधिकारियों ने जो फर्जीवाड़ा किया है उसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और इसमें दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आम जनता की गहरी कमाई का जो टैक्स लिया जाता है, जिसको लेकर विभिन्न कार्य हो सकते थे नगर निगम में, वो काम ना हो के एमआई के माध्यम से गलत प्रस्ताव पास करा कर आनंदम घोटाला किया गया, जिसमें 35 करोड़ की राशि का हेर फेर हुआ है। इसके दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं, इन दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की जा रही है। साथ ही साथ में जिन अधिकारियों की जाँच होना चाहिए था वो सारे दस्तावेज उनके पास रखे गए हैं। आज हमने माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इन सारे मामलों की निष्पक्ष जाँच की जाए। पीजी कॉलेज में जिला स्तरीय युवा उत्सव के तहत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा मिट्टी के दीपक बनाकर प्रदर्शनी भी लगाई गई। शहर के शाम टॉकी चौर सागर पेशा चौक पर आज कांग्रेस के द्वारा गांधी चौपाल का आयोजन किया गया। आयोजित चौपाल को प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगर प्रसाद तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में हैं, 100 साल से हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही हिंदू खतरे में आ गया। एक तरफ देश के युवा नेता राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रही हैं, दूसरी ओर आरएसएस के प्रमुख मस्जिद में जाकर कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक जैसा है।